कोटा में पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग की सूचना पर दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े युवक दानिश चिकना को गिरफ्तार किया है। आरोपी दानिश मुंबई के डोंगरी इलाके से फरार हुआ था। दानिश पर मुंबई में 6 अलग अलग हत्या के मामले दर्ज हैं। नाकाबंदी के दौरान सभी वाहनों को एक सिंगल रूम में लेके डिटेल से चेक किया जा रहा था, उनके बारे में पता किया जा रहा था कि क्या कौन व्यक्ति जा रहे हैं। ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के दौरान एक संदिग्ध वाहन RJ BCE 4299 फोर्ड गाड़ी थी, ये आई, इसे रुकवाया गया और इसका जो ड्राइवर था वो एकदम संदिग्ध एक्टिविटी शो करते हुए मौके से भाग गया। इस संदिग्ध एक्टिविटी को इंटरसेप्ट करने के बाद मौजूदा जाब्ते ने और जो सब इंस्पेक्टर वहाँ मौके पे मौजूद थे, उन्होंने उस वाहन की और उसमें बैठे व्यक्ति के वेयर अबाउट जाने, उस संबंध में विस्तृत चेकिंग की। तो चेकिंग के दौरान हमें करीब 160 ग्राम चरस उसमें से बरामद हुई। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस चरस के संबंध में उससे पूछताछ की गई तो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन और पोजेशन उस चरस का उसके पास था। तो इसके पूर्व में भी मुंबई पुलिस में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अवैध मादक पदार्थों से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड मुकदमे दर्ज मिले।